सारे गज के आखो सतनाम। पांच मिनट समाप्ति है जी। ये 40 सिंह जदों पहुंचे अपने अपने घर, भैन कहंदी पानी लियावां, पत्नी कहंदी दसो प्रशादा, पिता कहंदा बेटा आया। पिता अगों की कहंदा वी मेरे अज धन भाग पुत्र भाई मान सिंह, तू गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन कीते करके आ रहा ते मैनू तेरे दर्शन हो गए। हुण अंदर शर्म आती है, ये बदावा लिख के पुछया गुरु का की हाल है, तुसीं किवें आ गए, जंग जित्ती गई। जदों इन्नी गल कही भी तुसीं किवें आ गए, जंग खत्म हो गई या जित्ती गई? जदों अगों आखिया जी ना जंग खत्म होई है ते ना अजे जित्ती गई है, इन्नी जदों गल आखी कि असी बदावा लिख के दे आए। कहंदे पिता बेहोश होके डिग पिया कि मैं दरगाह च की मुंह विखावांगा कि एक बेमुख दा पिता। मन ते असर होया, असर होया। चवाल दे कोल कहंदे इतिहास लिखिया जिवें साडे कोई मतलब किसे तरह भी कोई चढ़ाई कर जांदा ते उदों उठाला कहंदे सी। कहंदे कोई सिख चढ़ाई कर गया ते उहदा उठाला सी अगले दिन। ओह सारे गुरुद्वारे मजैल सब संगत रूप च इकट्ठे होए, उठाला सी ते जदों इकट्ठे होए मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जी हुकमे भी कोई चढ़ाई कर जे ते कथा कीर्तन होवे। कहंदे सारे सिंह जदों गुरुद्वारे आए ते अगों किसे दे उठाले ते कथा भी ये लगी हुई, ये कुदरती गल है। ये तुसीं कदी नोट करियो, गुरु नानक की संगत में एक बख्शिश होंदी है कि कई बार जो मन च हो संगत विचों कई बार जवाब ही उही मिल जाए। आखो सतनाम। उस वेले कथा की लगी उठाले ते, पापी बहु प्रकार के उत्तम मध्यम जान, हत्या छे प्रकार की मन में लियो पछाण। आखो सतनाम। कि पापी बड़े तरह के है, उत्तम मध्यम ते हत्या छे तरह की गिणी है। तुसीं सुने ही है सर, कई नवे आए होंगे जरा जा इशारा सुन लो। वो छे हत्या तो उसी बच के रही है, क्योंकि जड़ी महापुरशां ने खोजी है ना, 96 करोड़ पाप तकड़ी दे एक छाबे च पा दिओ ते एक हत्या दूजे छाबे च पा दिओ, 96 करोड़ पाप दे तुल है एक हत्या। को सतनाम। छे हत्या गिनी है, ते पहली हत्या गऊ हत्या। कोई गऊ नू मार दे ये हत्या दे समान है। आखो सतनाम। सुचेत रहे। दूसरी हत्या सच्चे ब्राह्मण नू मार देना, ये भी हत्या दे तुल है। आखो सतनाम। सच्चे ब्राह्मण। तीजी हत्या गोत्री हत्या, इनू कुल हत्या भी कहंदे कि अपनी कुल विच किसे नू धोखे नाल मार देना, या ये विचार बनने ऐ बंदे तो दुखी बना, इनू कुछ चीज जहर मिला के दे दें, अपनी कुल विचों किसे नू इस ढंग नाल मार देना किसे नू की पता लगना, ये भी हत्या है। आखो सतनाम। चौथी हत्या ऋण हत्या। ऋण हत्या पहलियां तिना तो तुहाडे ते कृपा होएगी, जरा चौथी नू जरूर ध्यान च रखियो। ऋण हत्या होंदी है किसे दा ऋण भुल जाना,
ऋण थया। किसे को कर्जा लिया है जी, फिकर ही नहीं। होर कम चलाई जाता है, होर कम वधाई जाता है, होर को खर्चे करी जाता है, पर मन च भय नहीं रखता भी यह कर्जा मैं लावां। किसे दा कर्जा चुक के ना देना, किसे दा ऋण भुल जाना, किसे दा ए ऋण कर्जा वापस ना चुकाना, इनू भी हत्या गिने। आखो सतना एक अंदर इनकलाब ले आयो, कोशिश करो कर्जा चुको ना। स्कीमां ते अजकल बहुत, फ्रिज भी किश्तां ते मिल रहे, टीवी भी मिल रहे, मशीनां भी कपड़े धोण वाली किश्तां ते मिल रही हैं, मकान भी मिल रहे। आखो सतना बंदा चा चा च लै लैंदा, जदों फिर भरनियां पैंदियां मुश्किल। गुरु कृपा करे, जदों पांडवां ने यज्ञ कीता, उन्हां दी भावना सी वी ओह यज्ञ विच असीं सोने दे बर्तनां विच चीज छकाउणी है। कृष्ण जी नूं आखिया जी सोना, कृष्ण जी कहिंदे सुमेर पर्वत को मंग लो। सुमेर पर्वत को पांडव गए जी, सोना चाहिए है, तो सुमेर पर्वत कहिंदा वी मंगोगे किहड़े मूंह नाल ते दिओगे किहड़े मूंह नाल। कहिंदे जी हस के मंगदे पे हस के देंगे। हप सतनाम ना हो गई आके कहिंदे जी कृष्ण जी उधरों ना हो गई है। कहिंदे कोई गलबात होई? कहिंदे हां जी, उन्हें पुछया सी वी किहड़े मूंह नाल लोगे ते किहड़े नाल दिओगे। असी कहा जी हस के लांगे हस के देंगे। कृष्ण जी कहिंदे आ फिर कहते लेंदे दे सारे ही हस के ने, देंदा कोई कोई हस के। आखो सतनाम लेंदे सारे। फिर युधिष्ठिर नूं भेजिया या सच दस, उन्हें आख्या जी लवांगे हस के ते देंगे थोड़ा कलब के। ओके ओके, ये सिर्फ एक इशारा है इतिहास दे विचों सेध लैनी है, लेना भी हस के ते देना भी हस के है, ते देना भी समय सिरे। इनू फील ना करियो, मैं ते ऐ कहांगा कि संगत ही जीवन बनता है। कई शरीर मैं जीवन च वेख्या कि कई बारी उन्हां दी संगत विचों मदद हुंदी है, संगत विचों है जी, लेकिन उस मदद नूं ओ उतारदे नहीं, होर खलेरे पाई जाणगे, होर काम करी जाणगे। संगत दी दित्ती हुई मदद उत्थे ही खड़ी रहेगी, ये मैं कहना सब तो वड्डी हत्या है। संगत ने किसे लई मदद की तो फिक्र होना चाहिए, तो अगो खलेरे पाई जाए। ऋण हत्या चौथी ये है, जिदा देना है उत्थे खड़ा है, अगो होर कारवाइयां पई जा रही अपनी, यह भी करना वो भी करना। दास के स्टेज तो तुहानूं इहो जी बेनती करेगा, वल तां कर्जा लो ना, धार्मिक कर्जा बिल्कुल ना लो, ये तो बिक है यार। अवल तां कर्जा लो ना, और अगर कितने कर्जा लिया भी किसी मित्र को, दोस्त को, रिश्तेदार को, किधरों भी, मैं बेनती करांगा अपने बच्चियां नूं कापी ते जरूर लिखाओ कि फलाने दा इन्ना देना ही, साड़ी किते मौत भी हो जावे ते बच्चियां दे विच भी भय बनिया रोवे कि मैं प्यो दा देना ला के दरगाह सुरगुरु करना। आखो सतना एक ख्याल, वाहिगुरु सब की उम्र लंबी करे, एक ख्याल तुहाडे अंदर इन्ने इनकलाब वाले होने चाहिए। यह भी हत्या ऋण, यह ऋण भुल जाए, संगत जीवन बढ़ेगा। कई बार क्रॉसिंग होंगी कौड़ी है, बड़ी औखी है, मुंह च पाओ तो कहते पानी पहले तैयार रखता बंदा, कौड़ी है जो मुंह च रह जाए क्रॉसिंग एक मिनट है जी, किड्डा औखा हुंदा बंदा, पानी लेट करता ही जल्दी करे नहीं, को है कौड़ी है क्रॉसिंग, पर जो बुखार तुरदा तो बंदा सौखा बड़ा हुंदा। कई वचन थोड़े तेज होंदे ने संगत विच, पर उन्हूं दूजे पासे नहीं लेना,
इस पासे ही लेना है कि अगर ऐ चीज का औगण अंदरों निकल गया तो इस तो वड्डी बख्शिश नहीं है। थोड़ी खा लो की है की दसी है की दसी है। अब मेरे ना गया पटने साहब सैड बजे बैठा उसे फोन आया किसी रिश्तेदार का घड़ी वाल वेख के कहते दस सकेंट में किसी रिश्तेदार हाड़ दर्द हुई है ना ही शरीर का चोला जीवन देना की आपको सतना हाँ आ कि कृपा हो जाए पंजवी हत्या कन्या हत्या आपको सतना हाँ अल्ट्रासाउंड होर जड़िया चीजा के जिन्हें भी बोर्ड लगे सुधार हो रहा है पर तुसी अपने अंदर इनकलाब लियाओ कि मना जे तेरे घर लड़की भी आ गई है ना लड़की भी आ गई है तो जिन्ना दर्द लड़की नू मां प्यो पिछे हुंदा उन्ना पुत्र नू भी नहीं आखो सतना हाँ ये हत्या नहीं करनी। पंजवी हत्या कन्या हत्या ते आ छेवीं हत्या ये एडी वड्डी है भुलना जाना गऊ हत्या ब्राह्मण हत्या गोत्री हत्या कुल चो किसी धोखे ना मारना ऋण हत्या कन्या हत्या 96 करोड़ पाप एक छाबे च एक हत्या एक छाबे च कहिंदे हुण 5 हत्या एक छाबे च ते 6वीं कल्ली एक छाबे च ओ केड़ी है कहिंदे 6वीं हत्या सब तो वड्डी है कि जेड़ा अपने गुरु तो बेमुख हो गया आखो सतना आ कथा लगी सी ए जदों गए है ना कहिंदे एक दो दिन बाद उठाला सी किसे सिख दा ते सारे उथे कट्ठे होए चुवाल दे कोल इतिहास इशारा मिलदा और भाग सिंह चुवालिया ना मिलदा भी जिन्हें ज्यादा अगे होके लिखिया ना रुका आखो सतना ऐ अठाले ते कथा लगी ते कहंदे सारेयां दे मन दर्व गए कि आ हत्या साडे को होई है कि 5 हत्या दे तुल असी अपने गुरु तो बेमुखा को सतनाम ते अज दा दिन सी खितराणे दी ढाब ते इन्हां 40 सिंघां ने मन च फैसला कर रहा तुसी सारा जानदे हो मुकाबला होया कैसा दर्दनाक ये 40 सिंघां ने फौज नूं डकिया राह नहीं जान दिता गुरु गोबिंद सिंह जी जदों जंग समाप्त हुई ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप आए ने कले कले नू वर देंदे ने आ मेरा 5,000 आ मेरा 10,000 आ मेरा 20,000 एक जान सहगदी पई है भाई मान सिंह जी आखो सतना हां ओ सिर गोदी च लिया गुरु गोबिंद सिंह हुण इत्थे भी प्यार आ जांदा चमकौर दी गड़ी च पुत्र शहीद होए ने ते इंज ही छड के आ गए है ना कपड़ा पाया ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਗੋਦੀ ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਜ਼ੂਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦਾ ਲਹੂ ਪੂੰਝਦੇ ਪਏ ਸੋਚਿਆ ਥੋੜੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗੋ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਗੋ ਕੁਝ ਐਡੀ ਲੋੜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ जे तुठे हो ते एक कृपा कर दियो क्योंकि साड़ी 40 संगां दी जेड़ी है ना आत्मा दरगाह च जांदी है ते सचखंड दे बूहे ते ओ विदावा लिखिया होया है असी तुहाडे सिख नहीं तू साडा गुरु नहीं जे कृपा दे घर विच आए हो ते गुरु गोबिंद सिंह जी ओ विदावा पाड़ दियो जद तक विदावा नहीं पाटिया सचखंड दे बूहे साडे लई बंद ने ना जोड़ा ना घोड़ा ना बाज ना ताज
परिवार विछड़ गया। किथे चंदन दी जौंकी, किथे हीरियां दा चंदोवा, किथे घोड़े, किथे हाथी, सब कुछ विछड़ गया। पर वेख लो गुरु किन्ना बख्शन दे के अपने कमर कस्से नाल बिदावा संभाल के रखे है कि जे सिख भुल गए ने ते मैनू उड़ी के जरूर वापस आउणगे। आखो सतनाम। ए, मैं छोटा हुंदा सां ते हरजीत सिंह कितिआं विच ओ महापुरशां दीआं ना इक सतरां, ओ इक मिंट पढ़ लो, ऐ ते धारना है पर इतिहासक गल है। उस वेले भाई मान सिंह ने जिहड़ी गोदी च सिर रख के गल मंगी है ना, सतगुर माफ कर दियो मैनू जो कसूर हो गया। सतगुर माफ कर दियो मैनू जो कसूर। बोलो भैणो, सतगुर माफ कर दियो मैनू जो कसूर। बोलो भैणो, जेड़ा लिख के बदावा तैथों दूर हो गया। जेड़ा लिख के बदावा तैथों दूर हो। बोलो भैणो, जेड़ा सतगुर माफ कर दियो मैनू जो कसूर हो गया। अज दा दिन महा सिंह जी प्यारे तुसी बख्शे गए सारे। बोलो भैणो, दो बारी महा सिंह जी प्यारे तुसी बख्शे गए। महा सिंह जी गल के भैनो, जेड़ा सीस धर्म तो वारे ओ मंजूर हो। जेड़ा सीस धर्म तो वारे ओ मंजूर। गल के भैनो, जेड़ा सतगुर माफ कर दियो मैनू जो कसूर। भैणो, सतगुरु ने बदावा पाड़िया टुट्टी गंढ ली। हाथ जोड़ के बेनती जे कोई निगोरा ना दे, गुरु बिना सचखंड दे बूहे नहीं खुल दे। आखो सतनाम। हाथ जोड़ के बेनती जे गुरु वाले बड़ी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने टुटी गंढी अज दे दिन ते आख्या कि अरदासे विच तुहाडा रोज ना लिया जाए। जिथे भी कोई सिख अरदास करेगा तुहाडा ना विच आएगा। फिर आपां अज बोलदे आ ना पंज प्यारे चार साहिबजादे चाली मुक्त। महाराज कहिंदे आ मुकतसर दी धरती जिथे बदावा पाड़िया जिदी जिस चीज नालों भी टुटी है दरगाई दात नालों, इत्थे आके भावना दे नाल मन नीवा करके अरदास करेगा उत्थे टुटियां गंडियां जाणगी। अरदासे विच ना फिर अज दे दिन जिवें भैण जी ने दस्या होणे कोई पंछी भी लंघ जाएगा
ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰ ਨੇ, ਹੈਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ, ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਰਾਜੀ ਹੋਣੇ ਚਮੜੀ ਦੇ, ਹੈਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ੋਰੀ ਚ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੰਜ ਕਰੇ, ਸੁਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਲ ਵਹਿਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ੋਰੀ ਚ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਦੋ ਕੈਨੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਭਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਤੀਲੇ ਚ ਪਾਤਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਜਲ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਵੇਖੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ, ਸੱਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖਰੀਂਡ ਆ ਗਏ, ਖਰੀਂਡ ਉਤਰ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੌਕੇ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਰੀਂਡ ਆਇਆ, ਉਹ ਖਰੀਂਡ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਮਾਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਐਡਰੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਜਾਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ।